आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में सेवा अभियान को शिद्दत से निभा रही है, अब पार्टी को सेवा अभियान के साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्र निर्माण अभियान में तेजी लानी होगी। करनाल से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बीके कौशिक के अध्यक्ष से उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पैडी का सीजन आरंभ होने जा रहा है और अधिकतर प्रवासी जो मजदूर वापस जा चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर बचे हैं उनको सरकार बाहर दोबारा से उनके स्टेट में भेज रही है और सरकार भी इस बात को जानती है कि अगर प्रवासी मजदूर चले जाते हैं तो पैडी की रुपाई हाथ से होती है तो उसको उसकी रुपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और रुपाई के लिए मजदूरों का होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इन मजदूरों को यहीं पर रखे, इनके खान पान की व्यवस्था करे और इनका जो पैडी की रोपाई है उस टाइम पर इनका समुचित प्रयोग करें। सरकार ने एक बात उठाई है बार बार के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर के धान की रोपाई ना की जाए तो सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देगी लगभग 7,000 रुपए, परंतु एक बात देखिए कि 7,000 रुपए पिछली बार सरकार ने 4,000 रुपए का वादा किया था, किसी सिंगल किसान के खाते में पैसा नहीं आया। तो अब दिल्ली बार 7,000 रुपए खाते में आए, इस बात की क्या गारंटी है? और अगली बार जो खेत के अंदर पैडी की फसल ली जाती है उसमें लगभग 50 से 60,000 रुपए की इनकम होती है और अगर 7,000 रुपए मान ले सरकार के और मक्का आदि लगाए तो 12 से 13-15 हजार रुपए तक की फसल होती है, तो 15 और 7 22 के करीब और लगभग 25,000 का घाटा किसान को होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि सरकार को चाहिए कि मजदूरों को रोका जाए और किसानों को ठीक ढंग से रुपाई का मौका दिया जाए। लोकल जो मजदूर है जिस एकड़ के केवल मात्र 1,800 से 2,000 रुपए होते थे, आज उसके 4 से 5,000 रुपए मांगता है, तो जो कॉस्ट वैल्यू है प्रोडक्शन की पैडी की वो बढ़ जाएगी और किसान लॉस में चला जाएगा। और अगर सरकार करना ही चाहती है तो 7,000 रुपए से 17,000 रुपए करें ताकि किसान को एक प्रोत्साहन राशि अच्छी मिल सके और किसान इस प्रकार का एक कदम उठा सके, ऐसी मेरी सरकार से अपील है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो पूरे भारत के अंदर जो सब्जियां हैं उनका MSP नहीं होता और ये तर्क दिया जाता है कि इनका संरक्षण नहीं किया जा सकता इसलिए इनका कोई MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु ये तो सरकार की कमी है। अगर सरकार चाहे तो कोल्ड स्टोरेज आदि के माध्यम से उस फसल को रखा जा सकता है। आज मंडी के अंदर देखिए कि 5 रुपए किलो किसान से शिमला मिर्च ली जाती है, 40 से 50 रुपए किलो मार्केट में उपभोक्ता को बेची जाती है और टमाटर 2-3 रुपए किलो लिया जाता है और 40-50 रुपए किलो मार्केट में बिकता है, कितना शोषण है किसान का। तो पूरे भारत सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार ये बात उठाई है और आज हमारी जो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसके अंदर हमने ये पॉइंट उठाया है कि किसी प्रकार से जो किसान सब्जी की खेती करता है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, MSP निश्चित होनी चाहिए ताकि उसका ठीक प्रयोग हो सके। और एक बड़ा अजीब गरीब दृष्टांत हरियाणा में कि जो कहती है हम किसान देसी हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। केवल मात्र 1925 रुपए बीट का मूल्य दिया है, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए तो 2650 रुपए करीब एक क्विंटल का बनता है। तो कहने का अभिप्राय किस प्रकार से सरकार गुमराह करती है और चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। और हरियाणा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दो प्रकार के लोग